तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते हैं और राज्य करते हैं। पहला पाठ यरेमियस का ग्रंथ। धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की बेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इसराइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी बेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई बेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें न तो भय रहेगा, न आतंक, और न उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इसराइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। Thank you.
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिष्टा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में सामर्थ होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने के भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहां जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, धर्माध्यक्षीय अभिषेक की धर्मविधि अब शुरू होगी। मैं आप सब से आग्रह करता हूँ, हम खड़े हो जाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए आह्वान करें।
मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, अभी फादर धर्मपाल तिर्की अति आदरणीय बिशप एलेक्स डायस से श्रद्धेय फादर विश्वासम सेल्वराज को पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के लिए धर्माध्यक्ष अभिषेक प्रदान करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद संत पापा का आदेश पत्र पढ़ सुनाया जाएगा। पत्र के अंत में हम सबों का जवाब होगा, ईश्वर को धन्यवाद। अति मान्यवर पिता एलेक्स डायस पोर्ट ब्लेयर कलीसिया का दीन निवेदन है कि आप श्रद्धेय फादर विश्वासम सेल्वराज को धर्माध्यक्ष अभिषेक प्रदान करें। क्या आपको संत पिता का आदेश पत्र प्राप्त है? हाँ, मुझे प्राप्त है। कृपया सब बैठ जाएं, पढ़ सुनाया जाए। फ्रांसिस बिशप सर्वेंट्स ऑफ गॉड to beloved son Viswasam Selvaraj, priest of the diocese of Port Blair, until now the administrator of the same ecclesial community, to him destined to be the bishop, health and apostolic blessing from divine institution. Bishops who take the place succeed the apostles. Through the Holy Spirit, who has been given to them, tend the sheep in the name of the Lord, so that they may, as teachers of the doctrine, priests of the sacred cult, and ministers of administration may always be solicitous to the eternal health of the flock entrusted to them. For this reason, to fulfill these offices, we look for proper men who, together with us, may dedicate themselves to the sanctification of Christ's faithful. Now we direct our mind to the community of Port Blair, which after the resignation of our venerable brother Alexio Das Nevis, Dias SFX, does not have a moderator of diocesan life. We think of you, beloved son, as one who has the necessary gifts, expertise in matters that need to be taken care of, pastoral prudence. Therefore, we consider you to be the right one to exercise this office. Therefore, considering the counsel of the congregation for the evangelization of peoples, with the fullness of our apostolic authority, we nominate you and constitute you the Bishop of Port Blair. After giving you the proper rights and duties, according to the norms of the sacred canon law, you will be able to receive the episcopal ordination anywhere outside Rome from a Catholic bishop, observing the liturgical norms. However, before that, as prescribed by ecclesiastical law,
You have to make a profession of faith and fidelity towards us and towards our successes in this sea. Finally, we commend all your pastoral duties to Blessed Virgin, the star of the sea, and to Saint Joseph, the custodian of the Redeemer, so that they may grant you copious grace of the Holy Spirit to enable you to pasture the flock that has been entrusted to your care. Given at Rome on the 29th day of the month of June, the solemnity of the blessed apostles Peter and Paul in the year 2021, ninth of our pontificate, Holy Father Pope Francis, dated 21-8-2021. Port Blair Dharampranth ke liye, naye dharmadesh ki niyukti hetu, Sanpita ka adesh patra. Sanpita Francis, Rome ke dharmadyaksh, ईश्वर के सेवकों के सेवक की ओर से पोर्ट ब्लेयर धर्मप्रांत के पुरोहित अति प्रिय पुत्र विश्वासम सेल्वराज को, जो अब तक पोर्ट ब्लेयर धर्मप्रांत के प्रशासक रहे हैं, जिनका बिशप बनना तय है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रेरितिक आशीर्वाद। धर्माध्यक्ष गण जो दिव्य प्रतिष्ठान से उन्हें प्रदत्त पवित्र आत्मा के द्वारा अपना पद ग्रहण करते हैं, प्रेरितों के उत्तराधिकारी बनते हैं और प्रभु के नाम पर भेड़ों को चराते हैं, ताकि धर्म सिद्धांतों के शिक्षक के रूप में और पवित्र पूजन पद्धति के पुरोहित और उन्हें संपन्न कराने वाले अनुष्ठाता के रूप में हमेशा उन्हें सौंपे गए झुंड के शाश्वत भलाई का ध्यान रखने वाले बन सकें। इस कारण धर्माध्यक्षों के पदों को भरने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो हमारे साथ क्रिस्तीय विश्वासियों की आत्मा उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। अब हम अपना ध्यान पोर्ट ब्लेयर धर्मप्रांत के समुदाय की ओर केंद्रित करते हैं, जिसका हमारा माननीय बंधु अलेक्सियो दास नेविस डायस एसएफएस के त्याग पत्र देने के बाद धर्मप्रांतीय जीवन के संचालन के लिए कोई संचालक नहीं रह गया है। प्रिय पुत्र सेल्वराज, हम सोचते हैं कि आप ही वह व्यक्ति है जिसके पास आवश्यक योग्यता, जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनकी निपुणता और धर्म सेवा संबंधी व्यवहारिक समझदारी है। इसलिए हम आपको इस पद के लिए योग्य समझते हैं। इसलिए वाटिकन के सुसमाचार प्रचार की सभा के परामर्श के मद्देनजर प्रेरितिक अधिकार की पूर्णता के साथ आपको कलीसिया के पवित्र कानून के मानदंड के अनुसार उचित अधिकार और कर्तव्य प्रदान करते हुए पोर्ट ब्लेयर धर्मप्रांत का धर्माध्यक्ष मनोनीत करते हुए धर्माध्यक्ष का पद प्रदान करते हैं। अब आप रोम से बाहर कहीं भी एक कैथोलिक धर्माध्यक्ष से कैथोलिक पूजन विधि के मानदंड के अनुरूप धर्माध्यक्षीय अभिषेक हासिल कर सकते हैं। जो भी हो, इससे पहले आपको कैथोलिक नियम के अनुसार हमारे उत्तराधिकारियों के प्रति आस्था और वफादारी की शपथ की घोषणा करनी होगी।
अंत में हम आपके सब धर्म सेवा संबंधी कर्तव्यों को सागरी धारा माता मरियम और मुक्तिदाता के परिरक्षक संत जोसेफ को समर्पित करते हैं, ताकि वे आपको पवित्र आत्मा की प्रचुर कृपा प्रदान करें, जिससे सौंपे गए झुंड को चराने के लिए आप काबिल बन सके। 29 जून 2021 को मेरे धर्म सेवा काल में 9वें वर्ष में प्रेरित संत पेत्रोस और पौलुस के महापर्व के दिन रोम से प्रसारित संत पिता फ्रांसिस। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों और ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे फादर विश्वासम सेल्वराज, पता नहीं मेरे 34 वर्षों में मैंने यहाँ पर खड़ा रह के कितनी बार आप लोगों को संदेश दिया होगा, प्रवचन सुनाया होगा। कोई कोई बोलते थे हमारा बिशप लंबे उपदेश देता है, अच्छा ही देता है पर लंबे देता है। कोई कोई उब भी जाते थे होंगे, पर आज और एक बार यहां खड़ा होकर मुझे उपदेश देना पड़ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों को आज यह संदेश दे सकता हूं, और विशेषकर हमारे नए बिशप को विश्वासम सेल्वराज को यह संदेश दे सकता हूं। जब मैं सोच रहा था कि मेरे उपदेश में मैं आज क्या बोलूंगा, तब मेरे मन में प्रसिद्ध फ्रांस के लेखक विक्टर ह्यूगो का एक कहा हुआ वाक्य याद आया। विक्टर ह्यूगो ने कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। फिर से बोलता हूं, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अनुवाद होगा, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसी आइडिया, ऐसे विचार को रोक सकती है जिसका वक्त पहुंच गया हो। और इसी वाक्य को, विक्टर ह्यूगो के वाक्य को, शब्दों को लेकर मैंने सोचा मैं आपके सामने, आप सबों के सामने कुछ विचार, कुछ आइडियाज रखूंगा, जिन्हें यहां का बिशप जब मैं था उस समय मैंने आपके सामने रखा था और अपने फादर सिस्टर लोगों को भी कहा था कि वे इन आइडियाज, इन विचारों को
हमारे भाई बहनों के सामने रखा करें। बहुत सारी आइडियाज हैं, लेकिन कुछ ही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला विचार, नवीनीकरण। आपको याद होगी, जब मैं बिशप बनकर यहां आया, मैं बार बार नवीनीकरण के बारे में बात करता था, क्योंकि मैं कहा करता था कि हमारा यह मिशन क्षेत्र अब धर्म प्रांत बन गया है, हमें बिशप मिला है, तो हमें नवीन कलीसिया बनते जाना है। बार बार मैं ये आइडिया, ये विचार हमारे भाई बहनों के सामने रखता था, आप याद करेंगे। दूसरी आइडिया, मैं बहुत बार कहता था, सारी हमारी क्रिस्तीय बुलाहट और प्रतिष्ठा इस बात, इस सच्चाई में है कि हम प्रभु येसु के समान और प्रभु येसु के साथ पुरोहित, नबी और राजा या गडेरिये बन गए हैं। मैं बार बार याद दिलाया करता था कि हमारे स्नान संस्कार में हम प्रभु येसु के समान और प्रभु येसु के साथ पुरोहित, नबी और गडेरिये बनते हैं। तीसरी आइडिया, जब मैं बिशप बना, तुरंत उसके बाद में हमारे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रोम में, वैटिकन में एक विशेष बुलाहट, एक विशेष मीटिंग बुलाई थी, जिसका विषय था वोकेशन एंड मिशन of the laity in the church and in society. और इस तरह मैं याद दिलाते जाता था कि हम विशेष बुलाहट और विशेष भूमिका पाए हैं कलीसिया में और समाज में। चौथी आइडिया, न्यू इवेंजलाइजेशन, नया सुसमाचार प्रचार। मैं याद दिलाता था कि हमें सर्वप्रथम अपने आप को सुसमाचार सुनाना है, अपने आप को सुसमाचार का प्रचार करना है, और तब जाकर हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाना है, दूसरों के लिए सुसमाचार का प्रचार करना है। यह भी एक आइडिया मैं हमेशा आपके सामने रखा करता था। चौथी आइडिया, लघु ख्रिस्तीय समुदायों के द्वारा हमें सुसमाचार का अध्ययन करना है। सारे धर्म प्रांत में लघु क्रिस्तीय समुदायों की स्थापना हमने करवाई थी, और अभी तक लघु क्रिस्तीय समुदाय हमारे धर्म प्रांत में चल रहे हैं। असल में यह काम आगे बढ़ाने के लिए सिस्टर लोगों की उपस्थिति भी है, जो केवल यह काम करने के लिए यहां बुलाए गए हैं। और अंत में अगर मैं कहूं, घराना प्रार्थना, कोई कोई बोलते थे लगता है कि बिशप के पास और कुछ है ही नहीं, हमेशा इसी बात को बोलता है, घराना प्रार्थना, घराना प्रार्थना, घराना प्रार्थना।
लेकिन मैं बोलता था और चाहता था कि फादर सिस्टर लोग इस बात को बोले और कहें, क्योंकि मैं इस धर्म प्रांत की कमजोरी अच्छी तरह से जानता था। बहुत सारे हमारे परिवारों में घराना प्रार्थना नहीं होती थी। तो मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, इन आइडियाज को, इन विचारों को आपके सामने रखते हुए विक्टर ह्यूगो के शब्दों की याद आपको दिलाता हूं और कहता हूं, जब एक आइडिया का वक्त पहुंच जाता है तब उसे रोकने वाली कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। इस तरह कहते हुए आपके सामने प्रश्न चिन्ह रखता हूं, क्या आप इन बातों को, इन विचारों को याद करते हैं और इन विचारों से आप और आपका परिवार प्रभावित हुआ है, कुछ असर पड़ा है या नहीं? कोई शक्ति ऐसी आइडिया को रोक नहीं सकता, विक्टर ह्यूगो कह रहा था, जब उसका समय पहुंच गया है। पर हम लोग कभी कभी समय के पहुंचने में रुकावट डालते थे और इन सब विचारों को अपने जीवन में अपनाने के बदले उन्हें चले जाने देते थे। आज हमारे धर्म प्रांत के लिए और हमारे नए बिशप के लिए यह शुभ अवसर है ताकि इन बातों को मन में रखें और धर्म प्रांत में इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं कहता हूं कि इतना ही केवल हमने कहा था, और भी बहुत कुछ, पर इन पांच बातों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं ताकि हम आगे बढ़ते हुए देखें कि हम क्या अब तक कर पाए हैं। आज हमारे लिए यह खुशी का शुभ अवसर है जब आए साल के बाद हमें एक नया बिशप मिल गया है। आज हम सब खुश होकर हमारे फादर सेल्वराज को बधाइयां देते हैं और उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ खुशियां मनाते हैं। और खुशियां मनाना उचित है, पर मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, आंतरिक नवीनीकरण को उत्पन्न करना और हमारे धर्म प्रांत को नवीन बनाना यह अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो बिशप आया, बिशप गया, कलीसिया ज्यों के त्यों रह गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज और हमेशा इन विचारों को हम मन में रखें, कभी उन्हें न भूलें। और विशेषकर आज इस कृपा के शुभ अवसर को लेकर फिर से अपने आप को याद दिलाते हुए हम इन विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी एक बात जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ ही समय हुआ मेरे एक हिंदू दोस्त ने मेरे लिए एक प्रभु यीशु क्रिस्त की जीवनी की किताब दी, जो किताब रेजा असलम नामक मुस्लिम की लिखी हुई है। और इस किताब को पढ़ते हुए शुरुआत ही में मुझे यह लेखक का वाक्य मिल गया। मुस्लिम व्यक्ति है,
उसने लिखा है, When I was 15 years old, I found Jesus. When I was 15 years old, I found Jesus. मैं वहीं पर रुक गया और सोचने लगा, मेरी उम्र अभी 70 और 7 है। कैथोलिक परिवार में मैं जन्मा और बढ़ा। इतने वर्षों का पुरोहित और इतने वर्षों का बिशप हूं, पर मैं अपने आप से पूछने लगा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने प्रभु यीशु को पाया? और ये सवाल मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, फादर सेल्वराज आप भी अपने आप से पूछ लीजिए, हैव आई फाउंड जीसस? बहुत बार हम गिरजा आया करते हैं, शायद घर में प्रार्थना करते हैं, कोई कोई वो भी नहीं करते हैं। हमारा जीवन चल रहा है, लगता है कि हम केवल रविवार या कैथोलिक क्रिश्चिय हैं। हमारे संत पापा फ्रांसिस हमें याद दिलाता है, देर आर नो पार्ट टाइम कैथलिक्स इन द कैथलिक चर्च। रविवार के कैथलिक क्रिश्चिय केवल बनने से काफी नहीं है। हम कैथलिक अगर हैं, क्रिश्चिय हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं 24/7, तो हम अपने आप से पूछें, हैव आई फाउंड जीसस? क्या मैंने यीशु को पाया है? मैं असली यीशु का शिष्य बना हूं? फादर सेल्वराज के साथ हम खुशियां मनाते हैं, और जैसे मैंने कहा, खुशियां मनाना उचित है, लेकिन खुशियां केवल मनाने से काफी नहीं होगा। हमें जानना है कि हमारे फादर सेल्वराज को प्रभु यीशु ने चुनते हुए, अलग करते हुए कौन से कर्तव्य प्रदान किए हैं। और हमारा कर्तव्य होना चाहिए हमारे नए बिशप का सहयोग करना, उसके लिए प्रार्थना करना और हर प्रकार से उनके साथ रहना। यह हम तब कर सकेंगे जब हम जानेंगे कि फादर सेल्वराज का कर्तव्य कार्य अब क्या है। अभी अभी हम लोगों ने 3 सुंदर पाठ बाइबल से सुने हैं। पहला पाठ रहा यिर्मयाह नबी का, और वहां पर हम लोगों ने इन शब्दों को सुना, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरी भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। यह प्रभु की वाणी है, इसीलिए प्रभु इसराइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वाले गडेरिये भेजता है और कहता है, बुरे गडेरियों को तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने दिया और तितर बितर होने दिया, तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। भाइयों और बहनों, शब्दों को मन में रखिए। प्रभु कहता है ऐसे गडेरियों के लिए जो प्रभु की भेड़ों को तितर बितर होने देते हैं,
मेरी बची हुई भेड़ों की सेवा करने के लिए मैं दूसरे चरवाहों को भेज दूंगा जो उनका सचमुच में उनको चरा सके। तो इन यिर्मयाह नबी के शब्दों को सुनकर हमें तुरंत पता लगना चाहिए कि किस प्रकार का भारी क्रूस प्रभु यीशु ने हमारे नए बिशप के कंधों पर लाद दिया है। और इसलिए हम सबों का, क्योंकि हम हैं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर की कलीसिया, हमारा कर्तव्य है हमारे बिशप को सहयोग देना, उसके साथ चलना, उसको सलाह देना और उसके आदेश पर चलना। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र से रहा और वहां पर संत पौलुस ने कहा, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, जो कम बोता है वह कम लूनता है। फादर सर्वराज को प्रभु यीशु ने बुलाया है अधिक और अधिक बोने के लिए, ताकि वो अपने लिए और अपने और प्रभु के रेवड़ के लिए अधिक लून सके। और आगे पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु हमें कहता है, प्रसन्नता के साथ हमें देना सीखना है। प्रसन्नता के साथ हमें खुशी लग रही है, मुझे खुशी लग रही है कि फादर सर्वराज ने अपना आदर्श वाक्य यही रह चुना है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। प्रसन्नता के साथ देने वाले को प्रभु प्यार करता है। और मैं कहूंगा फादर सर्वराज ने प्रसन्नता के साथ ही अपने आप को दिया है। प्रसन्नता ही के कारण और उदारते के कारण फादर सर्वराज जो मद्रास मायलापुर धर्म प्रांत के लिए अपनी पढ़ाई करता था, वहां का धर्म प्रांत छोड़ करके हमारे मिशन क्षेत्र में काम करने के लिए आया। प्रसन्नता से फादर सर्वराज ने अपना वरदान प्रभु को चढ़ाया। मैं फादर सर्वराज को बधाइयां देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रसन्नता से ही आप आगे भी अपने प्रभु के दिए हुए रेबड़ की सेवा करें। और सुसमाचार में हमें बताया गया मार्कुस के सुसमाचार में कि किस तरह प्रभु के शिष्य जब बाहर भेजे गए अपना काम करने के बाद, सुसमाचार का प्रचार करने के बाद में वे आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रभु यीशु के सामने पेश कर दी। उन्होंने बताया प्रभु यीशु को कि हम लोगों ने क्या क्या किया। एक सुझाव और सलाह अगर मैं हमारे नए बिशप को दे दूं, आपको रोज अपनी रिपोर्ट भले गडेरिए को पेश करना होगा। और जो बात मैं फादर सर्वराज को कह रहा था हम लोगों के लिए भी लागू है। एक जमाना था जब हमारे बीच में लोग अंतःकरण की जांच, दिल की जांच हमेशा करते थे, लेकिन अभी यह प्रथा करीब करीब शायद छूट गई है। तो फादर सर्वराज जिस तरह शिष्यों ने आकर
प्रभु यीशु को बताया कि उन्होंने क्या क्या किया। आपको अपनी प्रार्थना में प्रभु को अपनी रिपोर्ट देना होगा और बताना होगा कि आज प्रभु आपकी दाखबारी में आपकी भेड़ों के लिए मैंने क्या किया। आगे इस सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की चिंता करते हुए, जानते हुए कि अब वे थके मांदे लौटे हैं, उनको आराम देने के मतलब से, विश्राम देने के मतलब से प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोग अकेले ही अब मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम करो। क्योंकि मार्कुस कहता है इतने सारे लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आपको भी अपने साथी पुरोहितों के प्रति ये चिंता दिखानी होगी, पर साथ ही साथ आपको याद रखना होगा आपका समय अब आपका अपना समय केवल नहीं है, आपका समय प्रभु यीशु की भेड़ों का समय है। जैसे सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, विश्राम करने के मतलब से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अलग बुलाया और उन्हें कहा आराम करो। लेकिन तुरंत मार्कुस कहता है लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी और प्रभु यीशु ने अपने आप को और शिष्यों के विश्राम को भूलते हुए उन्हें उपदेश देना शुरू किया। आपने यह सब किया है, पर अब बिशप होने के कारण प्यारे फादर सेल्वराज आपको इन बातों पर अधिक ध्यान देना होगा। अपना मूल्यवान समय याद रखें अपने लिए केवल नहीं है, पर प्रभु के लिए, भले गड़ेरिए के लिए और प्रभु की भेड़ों के लिए है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाता हूं उन्हीं बातों को जिन्हें मैंने कहा। यह भारी क्रूस बिशप सेल्वराज के कंधों पर प्रभु ने लादा है, पर हम सबों को किरीनी के सिमोन जैसे बनते हुए हमारे बिशप का बोझ हल्का करने की कोशिश करना है, विशेषकर अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा, अपनी सलाह के द्वारा। क्योंकि हम एक कलीसिया हैं। पुराने व्यवस्थान में प्रभु ने इसराइल प्रजा को चुना था और उनको मूसा के हाथों में सौंप दिया था। मूसा एक प्रकार से उनका गडेरिया था। मूसा के समान प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारा मूसा सेल्वराज दिया है और उसका बोझ हल्का करना हम सबों का काम होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा हमारे बिशप जब हमें देंगे, तब उस शिक्षा के अनुसार हमें चलना होगा और विशेषकर हमारे बिशप को सहयोग देते हुए उसके लिए प्रार्थना करना होगा और हर समय उसके साथ रहना होगा, ताकि हम यह कर सकें। अब हम मौन रह के थोड़ी देर सुनी बात पर मनन चिंतन करें और अपने अपने निर्णय निश्चय प्रभु के हाथों में डाल दें। थोड़ी देर मौन रहें।
मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, यह कलीसिया की प्राचीन परंपरा रही है कि जो धर्माध्यक्ष के पद के लिए चुने जाते हैं उनका गंभीरता से जांच की जाए। इसलिए अभी परम आदरणीय धर्माध्यक्ष एलेक्स डायस, बिशप अभिषेक के उम्मीदवार माननीय फादर विश्ववासम सेल्वराज की जांच करेंगे। प्रेरितों से पाया गया कार्यभार, ईमानदारी से सुसमाचार का प्रचार प्रसार, कलीसिया के विषय विश्वास का विशुद्ध अनुपालन, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों से संयुक्त रहकर कलीसिया का निर्माण, संत पापा के प्रति इनकी भक्ति, गरीबों और निसहायों के प्रति इनकी सहानुभूति, खोई हुई भेड़ों की तलाश और अपनी प्रजा के लिए निरंतर प्रार्थना करने के संकल्प के विषय में अब जांच होगी। बहुत पुराने समय से कलीसिया के आचार्य यह आदेश देते आए हैं कि जो भाई धर्माध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होते हैं उनकी जांच जनता के सामने की जाए, जिससे कि धर्म की बातों और कर्तव्य पालन में उनकी दृढ़ता सबको मालूम हो जाए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, क्या आप उस कार्यभार को जिसे हमने प्रेरितों से पाया और जिसे आपके माथे पर हाथ रखकर हम आपको सौंपने वाले हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन भर संभालते रहने का संकल्प आप करते हैं? मैं यह संकल्प करता हूं। क्या आप ख्रिस्त का सुसमाचार पूरी ईमानदारी से और अविराम फैलाने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। क्या आप विश्वास की उन सब बातों को जिन्हें हमने प्रेरितों से पाया है और जिन्हें पवित्र कलीसिया सदा सर्वत्र स्वीकार करती आई है विशुद्ध और अविकृत रखने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। क्या आप कलीसिया ख्रिस्त के शरीर का निर्माण करने और धर्माध्यक्ष वर्ग से जुटे रह के प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी संत पिता के अधिकार में रहने तथा उसी कलीसिया से संयुक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। क्या आप प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी संत पिता के प्रति अटल भक्ति दिखाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या आप एक धर्मनिष्ठ पिता स्वरूप अपने पुरोहितों और उपयाजकों के साथ
ईश्वर की प्रजा की देखरेख करने और मुक्ति का मार्ग दिखाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या आप प्रभु ईश्वर के नाम में गरीबों, परदेशियों और सभी निस्सहाय लोगों को सहानुभूति और दया दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। क्या आप भले चरवाहे की तरह खोई भेड़ों की तलाश करने और प्रभु के बिखरे झुंड को एकत्र करने का दृढ़ संकल्प करते हैं? मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूं। क्या आप ईश्वर की प्रजा के लिए निरंतर प्रार्थना करने और सर्व श्रेष्ठ पुरोहिती कार्यों को ऐसा निभाने का संकल्प करते हैं कि किसी को आप पर दोष लगाने का मौका न मिले? ईश्वर की मदद से मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूं। प्रभु ईश्वर, जिसने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है उसे पूर्णतः समाप्त भी करें। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, अब हम परम दयालु परमेश्वर से और स्वर्ग के सब दूतों और संतों की मंडली से माननीय विश्वासम सेल्वराज पर प्रचुर कृपा के लिए याचना करें। अभी स्तुति विनती होगी, कृपया घुटने टेकें। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ईश्वर ने इस हमारे भाई को चुन लिया है। उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर से अब हम प्रार्थना करें कि अपनी असीम दया से अपने इस दास को प्रचुर कृपादानों से भर दे। पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र मसीहा तारनहार, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। प्रिय एक पावन परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र माता हे मरिया, हमारे लिए विनती कर। क्रिस्त प्रभु के निर्मल मां, हमारे लिए विनती कर। कुंवारियों की रानी माँ, हमारे लिए विनती कर। हे अति दूत संत गैब्रियल, हमारे लिए विनती कर। संत मिखायल, संत रफायल, हमारे लिए विनती कर। संत योहन बपतिस्मा दाता, हमारे लिए विनती कर। संत योसेफ यीशु पालक, हमारे लिए
Petrus, Saint Paulus, हमारे लिए विनती कर। हे संत एंड्रियास, संत मती, हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन, संत थॉमस, हमारे लिए विनती कर। हे संत फिलिप, संत थादियुस, हमारे लिए विनती कर। हे संत मत्तियास, संत सिमोन, हमारे लिए विनती कर। संत बार्थोलोमी, संत याकूब, हमारे लिए विनती कर। संत मरियम मगदलीना, विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत स्टेफनोस, विनती कर, हमारे लिए विनती कर। संत इग्नासियोस, संत योकेनुस, हमारे लिए विनती कर। संत फ्रांसिस जेवियर, संत अंतोनी, हमारे लिए विनती कर। संत पेपेतुआ, संत फेलिसिटस, हमारे लिए विनती कर। संत फ्रांसिस असिसी, संत डोमिनिक, हमारे लिए विनती कर। हे संत विंसेंट, संत एग्नेस, हमारे लिए विनती कर। हे संत बासिल, संत बेनेडिक्ट, हमारे लिए विनती कर। हे संत अगस्टिन, संत मार्टिन, हमारे लिए विनती कर। हे संत अथनासियोस, विनती कर, हमारे। संत योहन मरिया वियाने, हमारे लिए विनती कर। संत कैथरीना, सेनेंसिस, हमारे लिए विनती कर। येसु की छोटी संत तेरेसा, हमारे। संत गोंजालो ग्रासिया, हमारे लिए विनती कर। हे संत अल्फोंसा, विनती कर, हमारे लिए विनती कर। संत कुरियाकोस, एलियस चावारा, हमारे लिए विनती कर। संत मद विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे धर्म पिता, वो संतो, हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार के गवाहो, हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल सब संतो, हमारे लिए विनती कर। हे मेमना परमेश्वर का, हम पर दया कर। जग के पाप तो हर लेता, हमारी विनती पूरी कर। दयालु हो के हे प्रभु, प्रभु हे ईश्वर हमको बचा, हर बुराई से हे
प्रभु, प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। हर पाप से हे प्रभु, प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। अनंत मरण से प्रभु, प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। पवित्र देह धारण द्वारा प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। अपने मरण और दफन द्वारा प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। पवित्र पुनरुत्थान द्वारा प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। पवित्र आत्मा के आगमन द्वारा प्रभु हे ईश्वर हमको बचा। तू कृपया अपनी पावन कलेसिया पर शासन करे और उसे हे प्रभु दया से अपने सुरक्षित रखे। हम तुझसे हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। तू कृपया संत पापाव कलीसिया के अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में हे प्रभु सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। चरवाहे विश्वसम सर्वराज को आशीर्वाद दे प्रभु, तू इन्हें पावन करे प्रभु और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। तू कृपया सब जातियों को मेल मिलाप प्रदान करे और इन्हें हे प्रभु अपनी शांति प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। तू कृपया सब पीड़ितों को दया और प्रेम दिखा दे प्रभु, पवित्र सेवा में हम लोगों को स्थिर व सुरक्षित रखे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। पूर्ण मानव पूर्णेश्वर येसु जीवंतेश पुत्र, पूर्णमानव पूर्णेश्वर येसु जीवंतेश पुत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारी विनती पूरी कर। क्रिस्त प्रभु हमारी सुन, क्रिस्त
हमारी विनती पूरी कर, हमारी विनती पूरी कर। प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपने इस दास को पुरोहिती कृपा की पूर्णता प्रदान कर और इन्हें अपने आशीर्वाद से शक्ति प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सब खड़े हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, अब यहां उपस्थित सभी धर्माध्यक्ष गण एक एक कर श्रद्धेय विश्वासम सेल्वराज के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, अभी मुख्य अनुष्ठाता और सहयोगी धर्माध्यक्ष गण अभिषेक की विशेष प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार ग्रंथ सिर के ऊपर रखा जाएगा, जो ईश्वर के वचन के प्रचार प्रसार की जवाबदेही और उसके प्रति सदा धर्मनिष्ठ रहने का प्रतीक है।
हे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, दया स्रोत और हर दिलासा देने वाले, तू अपने स्वर्ग धाम से उत्पत्ति के पहले ही से सृष्टि को जानता है और छोटी सी छोटी वस्तु की भी सुधि लेता है। अपनी कृपा कारिणी शिक्षा द्वारा तूने अपनी कलीसिया में कानून की व्यवस्था की। इब्राहिम के संतान को आदिकाल से पवित्र जाति होने के लिए तूने चुन लिया। अपने पवित्र मंदिर में निरंतर उपासना होते रहने के लिए अध्यक्षों एवं पुरोहितों को नियुक्त किया है और इस तरह आरंभ से आज तक तेरे निर्वाचितों द्वारा तेरा यशोगान होते आया है। इसलिए अपने चुने हुए इस दास पर वह सामर्थ्य उंडेल दे जो तुझी से प्रसरित होता है, वह श्रेष्ठ आत्मा जिसे तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को दिया और जिसे उन्होंने स्वयं अपने प्रेरितों को प्रदान किया। प्रेरितों ने तेरी प्रशंसा और महिमा फैलाने के लिए हर जगह तेरे पवित्र निवास स्थान स्वरूप कलीसिया की स्थापना की। हे स्वर्गीय पिता, जो हृदयों की सभी बातों को जानता है, अपने इस दास को जिसे तूने धर्माध्यक्ष निर्वाचित किया है कृपा दानों से भर दे कि यह तेरे पवित्र रेवड़ की उचित रखवाली करे और दिन रात तेरी सेवा करते हुए तेरे सामने महापुरोहित का कर्तव्य दोष रहित निभाए। यह तेरी पवित्र कलीसिया की भेंट तुझे अर्पित करते रहे जिससे हमारे प्रति तेरी दया दृष्टि बनी रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तेरी आज्ञा के अनुकूल पाप क्षमा करने के लिए इन्हें महापुरोहिती अधिकार दे। रेवड़ के सेवा कार्य भार का वितरण यह तेरे आदेश अनुसार करे और जो अधिकार तूने अपने प्रेरितों को दिया उसी के अनुसार यह सभी बंधन खोले। इनकी विनम्रता और सदाचरण तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त द्वारा अर्पित एक सुगंधित और रुचिकर उपहार स्वरूप तुझे अपनी पवित्र कलीसिया में महिमा सामर्थ्य और समादर मिलती रहती है। आमेन। आमेन। अभी नव अभिषिक्त बिशप विश्वासम सर्वराज को क्रिस्मा के तेल से अभियंजित किया जाएगा। जिस ईश्वर ने आपको ख्रीस्त की पुरोहिताई का साझी बनाया है वही इस रहस्यपूर्ण अभ्यंजन का तेल आप पर उंडेल दे और आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद
द्वारा फलदायक बनाए। अब बिशप विश्वासम सेल्वराज को सुसमाचार ग्रंथ सौंपा जाएगा, जो निरंतर सुसमाचार प्रचार करने के जवाबदेही का प्रतीक है। सुसमाचार ग्रंथ ग्रहण कीजिए और हमेशा बड़े धीरज से सिखाते हुए ईश्वर का वचन प्रचार कीजिए। अभी धर्माध्यक्ष को अंगूठी पहनाई जाएगी, जो दृढ़ विश्वास, चौकसी और कलीसिया के रक्षक होने का प्रतीक है। इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए, जो विश्वास की मोहर है, और पूरी चौकसी एवं दृढ़ विश्वास से ईश्वर की दुल्हन पवित्र कलीसिया की रक्षा कीजिए। अभी धर्माध्यक्ष को किरीट पहनाया जाएगा, जो पवित्रता का और स्वर्गराज के अनंत मुकुट का प्रतीक है। इस किरीट को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में पवित्रता का प्रकाश चमके, जिससे महागडेरिये के आने पर आप परलोक का अविनाशी मुकुट धारण कर सके।
अब धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज को अधिकार दंड दिया जाएगा, जो अपने रेवड़ की रखवाली, उन पर शासन और उनकी अगुवाई करने का प्रतीक है। यह अधिकार दंड लीजिए, जो गडेरिये का निशान है और उस समस्त रेवड़ की रखवाली कीजिए जिसमें कलीसिया के शासन हेतु पवित्र आत्मा ने आपको धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रिय भाई और बहनों, इसी के साथ धर्माध्यक्ष अभिषेक संपन्न हुआ। हमें एक धर्माध्यक्ष, नए धर्माध्यक्ष मिले हैं। अब नए बिशप स्वामी जी को अपने आसन ले जाया जाएगा, जो उनके सेवासन का प्रतीक है। अब नए बिशप स्वामी उपस्थित धर्माध्यक्षों को शांति अभिवादन करेंगे। Members, please come. मैं तो बहूंगा रोग शैया।
प्रिय भाई और बहनों, यहां से आगे की यूक्रिस्त बलिदान बिशप विश्वासम सेल्वराज द्वारा अर्पित किया जाएगा। हम सब कोई धर्मसार के लिए खड़े हो जाएं। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मिले सभी वरदानों के लिए, हम ईश्वर पर अपने विश्वास को प्रेरितों के धर्मसार के द्वारा प्रकट करेंगे। एक साथ बोलेंगे, प्रेरितों का धर्मसार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुखाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, उठाया गया, लिम्बो से उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को खड़ा है। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा निर्धारण और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। चढ़ावा
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे एक स्तुति बलि अर्पित करते हैं, एक तेरे प्रति हमारी सेवा में वृद्धि करे। जो दायित्व तूने हम अयोग्य सेवकों को सौंपा है, हम उसे तेरी कृपा से पूरा कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को अभ्यंजित करके उन्हें नवीन और अनंत विवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। क्राइस्ट न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि पात्र प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोशन द्वारा उनकी पवित्र परिचर्य के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का बोझ परोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों के द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। क्राइस्ट के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए
उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। नंबर 3। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह हमें रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्ति पर दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात शोकते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत पीयूष दसवां और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी अनंत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। प्रभुवर अपने सेवक संत विदा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज, जिन्होंने आज पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत की कलीसिया में गडेरिये के पद के लिए अभिषिक्त ग्रहण किया है, सभी धर्माध्यक्षों, सारे याजक वर्ग तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास और प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो शिक्षा प्रभु येसु क्रिस्त ने हम सबों को दिया है। पिता हमारी जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति विवादन करें। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास की आंखों से है देखिए, हमारे प्रभु येसु क्रिस्त अपने शरीर रक्त के साथ सचमुच में इस दाखरस और रोटी में उपस्थित हैं। वे हमारे पापों को मिटाते हैं, हम सबों को मुक्ति प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, अभी परम प्रसाद वितरण होगा, जो ऊपर बालकनी में है आप लोग वहीं रहें, पुरोहित आप लोगों के पास वहां परम प्रसाद के लिए आएंगे। मैं सभी धर्माध्यक्षों से निवेदन करता हूं, कृपा करके आप लोग
यहाँ से परम प्रसाद ग्रहण करें। धर्माध्यक्षों के परम प्रसाद ग्रहण के बाद जो पुरोहित यहाँ बैठे हैं वे लोग पंक्ति में आएंगे और उसके बाद जो पुरोहित यहाँ हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्ण रूप से नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम हर बात में सदा तुझे प्रसन्न करते रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया सब बैठ जाएं। नाउ आई रिक्वेस्ट द अपोस्टोलिक नुंसियो टू एड्रेस द कांग्रीगेशन। Your Grace, Most Reverend Felix Toppo, Archbishop of Ranchi. Your Grace, Most Reverend Sebastian Gallopuran, Archbishop of Patna. Your Lordship, Right Reverend Alexio Das Neves Diaz, Bishop Emeritus of Port Blair. Dear Bishop Visuvasam Selvaraj, dear bishops here present, dear clergy and religious, brothers and sisters in Christ. I am pleased to be with you on this joyful occasion of the episcopal ordination of Father Selvaraj, and to give thanks to God for the gift of a new chief pastor to the Diocese of Port Blair. In welcoming the new bishop, I wish first and foremost, in the name of the Holy Father Pope Francis, to thank Most Reverend Alexio Das Neves Diaz for the faithful and dedicated service he has rendered to the Church as Bishop of Port Blair for 34 years. Dear Bishop Alexio, your service to Christ and His Church will be long remembered by the faithful of the Diocese of Port Blair. May the Lord bless you abundantly and keep you in good health. Dear Bishop Selvaraj, as you assume the pastoral care of the people of God entrusted to you, may the Blessed Virgin Mary be the Stella Maris of the diocese and be your guide as you work for the growth of the Kingdom of God and the building up of the body of Christ, the Church, in Port Blair. With your understanding as a priest of the local Church, you bring with you a wealth of experience. Combined with your zeal and dedication, I am sure this will help you to cast the net of the evangelization in the Andaman and Nicobar Islands. Like the apostles in the miraculous catch of fish narrated in the Gospel of John, I would invite you, dear Bishop Visuvasam, to recognize Jesus as our Lord close to you. As Pope Francis said, closeness to God is the source of the bishop's ministry. God loves us, but one cannot communicate closeness to God without experiencing it every day, without allowing
allowing ourselves to be infected by His tenderness. Each day, without sparing time, we should be before Jesus, bringing Him people, situations, as ever open channels between Him and our people. Dear priests of the Diocese of Port Blair, as the first collaborators of the new bishop, I am sure that you will cooperate wholeheartedly with him for the good of the Church, having special care for its growth through the implementation of the shared vision for the future of the diocese. Dear religious men and women present in the diocese, the contribution you offer in accordance with your particular religious charism is an invaluable gift to the life of the Church. Your cooperation with the new bishop will help foster the mission of the Church in these archipelagos. And dear lay faithful, each one of you is called to live your life of faith as a shining example for others to follow. I encourage you to live your own vocation immersed in the world, giving a convincing witness of your faith in Jesus Christ and of your belonging to the Catholic Church. Finally, dear Bishop Selvaraj, with your pastoral leadership, I am sure that the Diocese of Port Blair will continue to flourish as a living sacrament of the Kingdom of God. Under your guidance, may the Church in the Andaman and Nicobar Islands be a model of love and hope for everyone, especially for the poor and the marginalized. May Mary, the Star of the Sea, assist you in your service to the people of Port Blair and accompany you in your pastoral ministry. I gladly convey to all of you the blessing of His Holiness Pope Francis. Thank you. प्रिय भाइयों और बहनों, अब नव अभिषेक धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज अपनी प्रजा के बीच जाकर उनको आशीर्वाद देंगे। हम सब अपनी अपनी जगह में रहेंगे, भीड़ नहीं बनाएंगे और पुरोहितगण बिशपगण बैठे रहेंगे, बिशप जो सामने हैं और मेरे पीछे हैं, कृपा करके बैठे रहें और हम सब मिलकर के ईश्वर का धन्यवाद गान करेंगे। Oh,
जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना प्रिय भाई और बहनों, अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं सभी बिशपों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। सामने हमारे जो बिशप हैं, कृपा करके पीछे मुड़ जाएं। आप लोग उस तरफ मुड़ जाएं। हे ईश्वर, तू बड़ी उदारता से अपनी प्रजा की रक्षा करता और बड़े प्यार से उसे संभालता है। जिन धर्म गुरुओं को तूने गडेरे के पद पर नियुक्त किया है, उन्हें प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कर, ताकि रेवट को सिद्धता के मार्ग पर अग्रसर होते रह गडेरे सच्चे आनंद से भर जाएं। प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार याचकों और
आयाजक वर्ग को एक साथ मिलाया है, वही प्रभु अपने विधान और आपके संरक्षण में वर्षों तक इसका संचालक करता रहे। वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, विपत्तियों से बचे रहे, और सभी कृपादान मेरे मन की सुरंग